हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभ पांडे, एसएपी टेक्निकल से ले। और सबसे पहले तो मैं आप सबको विश करना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से ऐश्वर्य पांडे, प्रीतिश पांडे एंड पूरी एसएपी टेक्निकल टीम को की तरफ से। मैं आपको एक बार हैप्पी न्यू ईयर पूरा सबकी तरफ से कह दूँ। और अब मात्र अपने टॉपिक पे, इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे आप पा सकते हैं एंड्रॉयड ओ मतलब एंड्रॉयड ओरियो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में। ये बिना रूट होगा, इसमें कोई आपको रोम डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ कुछ एप्लीकेशंस की मदद से होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। इससे पहले मैं आपको वीडियो शूट करने से पहले आपको इसका थोड़ा सा प्रीव्यू दूंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए ये प्रीव्यू, और उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आएंगे। तो ये है उसका शानदार प्रीव्यू। तो जैसे कि आप ये देख सकते, पूरा तो ओरियो में कर, जितना मैंने कोशिश की, मैंने पूरा कोशिश की है कि मैं इसे ओरियो में कन्वर्ट कर सकूं, लेकिन जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना ही किया और पूरी तरीके से इसका नोटिफिकेशन पैनल ओरियो और नोगट का तो सेम है। ये मेरा डिवाइस एंड्रॉयड नोगट पे रन करता है, दिखा दो। और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन एंड्रॉइड वर्जन नोगट, ये नोगट है, मैं भी नोगट पर रन कर रहा हूँ। और चलिए मैं आपको दिखा दी, देख सकते हैं सब लगभग वही है, फोन डायलर भी वही चीज़ है, डायलर भी एकदम सेम देता है, कॉन्टैक्ट्स रिसेंट सब सेम है, सेम चीज़ें हैं। और को यहाँ पे मिल जाता है मैसेजिंग ऐप भी सेम मिलता है, मैसेजिंग ऐप भी बिल्कुल सेम हो जाता है ओरियो की तरह। और तो आपको मैं ये वीडियो दूसरे मोबाइल में आपको दिख, जो मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे करते हैं वो मैं दूसरे मोबाइल में करने वाला हूँ, तो इसमें मैं दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो, अगर आप सैमसंग यूज़र हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छा लुक मिलेगा, अगर आप सैमसंग यूज़र नहीं तो थोड़ा सा कम अच्छा मिलेगा, लेकिन लगभग लगभग वैसा ही रहेगा पूरा। ये आपको दिखा दूँ, सबसे पहले इसका नाम है सैमसंग थीम सेंटर। ये सैमसंग थीम सेंटर में हमें जाना होगा और सर्च करेंगे ओरियो। ओरियो सर्च, ओरियो सर्च कर लेंगे, थीम्स ओरियो थीम है, ओरियो थीम ये रही, थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोड होने में, इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम लैप्स कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहा है, सेकंड ऑप्शन आ रहा है मेनू ओरियो, ये वाला। अब इसे आपको करना होगा अप्लाई, इसे अप्लाई कर दिया मैंने पहले ही। इसकी रेटिंग 4.5 क्योंकि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। ये थीम आपको डालना होगा अगर आप सैमसंग यूज़र हैं, ये क्योंकि सैमसंग थीम्स में मिल जाता है। अगर आपके पास, आप सर्च कर लीजिएगा अपने दूसरे फ़ोन्स में भी, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे होता है ये डाउनलोड। तो और अगर आप सैमसंग यूज़र हैं, आप नोगट हैं, अगर आपके पास नोगट अपडेट है,
सैमसंग यूज़र नहीं भी हैं, नोगट अपडेट है, तो आपको नोटिफिकेशन वाला ऐप डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन दोनों का लगभग सेम है। और अगर आपको आप नोगट यूज़र नहीं है तो आपको नोटिफिकेशन वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है नोटिफिकेशन पैनल सेम रखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें जाना होगा अपने प्ले स्टोर पे। थोड़ा सा नेट स्लो आ रहा है, सही। चलिए हम लोग अब इसे ही कर लेते हैं। हमें चाहिए होगा नोवा लॉन्चर, सबसे पहले नोवा लॉन्चर, मैटरनल नोटिफिकेशन ऐप नोटिफिकेशन पैनल के लिए, और आइकन पैक ओरियो का, ये देख सकते हैं। बस यही तीन ऐप्स चाहिए, फिर हमारा तैयार हो जाएगा। उस चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले है जानों को अपने नोवा लॉन्चर में, नोवा लॉन्चर में, और इसे अपना एज डिफ़ॉल्ट ब्राउज डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन सेट कर लीजिए, ठीक है। नोवा लॉन्चर हो गया। अब हमें जाना होगा नोवा सेटिंग्स में, नोवा सेटिंग। अब इसे नोवा लॉन्चर को सेट कर देते हैं, ओके। अब चलिए तो हमें ऐप एंड विजिट वाला कर देना होगा, ये ठीक है। और अब हमें आइकॉन थीम में जाके जो हमने ओयो पैक डाउनलोड किया था उसे वो ऐड कर देते हैं, ओके। अब ये डेस्कटॉप ग्राइड भी आके हमें 5x5 का कर देना है। अब डॉक में जाकर ये जो सर्च बार इन डॉक है इसे बिलो आइकन्स करना होगा। अब हमें ऐप एंड विजी ड्रॉअर में जाके स्वाइप टू पिन को एनेबल करना होगा और बैकग्राउंड को ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। और बस अब हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए देख सकते हैं आप एकदम। और इसे हमें रिमूव करना होगा। इसे रिमूव करने के बाद इसे पूरा लुक आ जाता है अच्छा, कुछ एकदम लगभग उसकी तरह तो दिखने लगा है। और आप अगर चाहें तो कुछ और भी अपने से मर्जी सेटिंग्स कर सकते हैं। इसे अभी हम थोड़ा सा एडिट कर देते हैं, एडिट सही है। बस अब देखिए गूगल पिक्सल की तरह बिल्कुल, क्योंकि गूगल पिक्सल में ओरियो थीम है, ओरियो है, और इसमें भी गूगल पिक्सल की तरह ओरियो आ चुका है। मैंने थोड़ा सा गूगल पिक्सल से छुड़ाया, दूसरे थीम से छुड़ाया। तो थैंक यू वॉचिंग, क्यू वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हमें इसका जो है, मैं भूल गया था इसका नोटिफिकेशन पैनल चेंज करने के लिए। अभी ये रन कर रहा है मार्शमेलो पे, और ये मार्शमेलो का वो है। अब ये वाले ऐप से हमें इसका नोटिफिकेशन पैनल चेंज करना होगा, ये देख सकते हैं। पैनल थीम पे जाएंगे और ओरियो सेट है, अब इसे ऑफ से ऑन कर देते हैं। डन डन
ओके ये इसे भी हम एनेबल कर देंगे, अब इसे भी एनेबल कर देते हैं, अलाउ। अलाउ करने के बाद अब इसे डन कर देंगे, अब शेड बैकग्राउंड ब्लैक कर देंगे। ओके देख सकते हैं, अब हो गया। पर ये अब मार्शमेलो से ओरियो का थीम आ चुका है नोटिफिकेशन पैनल पे, नोटिफिकेशन पैनल पे हो चुका काम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में।